एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल लाइफस्टाइल एज अ मॉमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुरभि, ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब चैनल है। आज का टॉपिक है न्यूबॉर्न, हाउ टू टेक केयर यू न्यूबॉर्न बेबी। आप अपने बेबी की टेक केयर कैसे कर सकते हैं, जो अभी न्यू मॉमीज बनी हैं, जो अभी फर्स्ट दिन का फर्स्ट बेबी है, उनके लिए ये वीडियो काफी बेनिफिशियल हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट इट। मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करूंगी जिससे कि आप अपने न्यू बॉर्न बेबी की टेक केयर अच्छे से कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में ये बोलूंगी आपको कि आप अपने बेबी को स्वेडल जरूर करिए। स्वेडल के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप जितने अच्छे से बेबी को स्वेडल करोगे, रैप करोगे, रैप करके सुलाओगे, उतना बेबी लंबा टाइम तक सोता है, वो डरता नहीं है। कई बार आपने देखा होगा बेबी डर के उठ जाता है, रोने लग जाता है तेज से, तो वो नहीं होगा। सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको इसमें यह भी देना चाहती हूँ कि जब आपका बेबी आपके वॉर्म के अंदर होता है, जो मदर की वॉर्म के अंदर होता है, तो वो काफी गर्माई में होता है। जब वो बाहर डिलीवर हो जाता है, उसका एटमोसफियर, उसका वेदर, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो एटलीस्ट 45 डेज तक आप अपने बेबी को स्वेडल जरूर करके सुलाइए, और ज्यादा से ज्यादा मदर के पास रखिए उसको। जितना वो मदर के पास रहेगा उतना वो सिक्योर फील करेगा। सेकेंड पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ आपको, आप अपने बेबी को हर टू आवर्स के अंदर आपने अपने बेबी को फीड जरूर करवाना है। हर 2 आवर्स के अंदर अगर आप उसको अपने बेबी को फीड कराते हो तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ, अगर आप ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हो तो आप ब्रेस्ट मिल्क दीजिए, अगर आप फॉर्मुला मिल्क दे रहे हो तो फॉर्मुला मिल्क दीजिए। आपने एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूंगी मैं आपको कि आप जब हॉस्पिटल में होते हो, जब आपकी डिलीवरी हुई होती है, तो हर 2 आवर्स के अंदर आपके पास एक नर्स आती है और बोलती है आपसे कि उठिए और बेबी को फीड कराइए। आप अपने बेबी को 2 घंटे के अंदर अंदर वो आके बोलती है आपको। तो आपने वही चीज घर पे भी करनी है, हर 2 आवर्स के अंदर अपने बेबी को फीड जरूर करवाना है, क्योंकि बेबी 18-19 घंटे लगातार सोता रहता है, वो अपने फीड नहीं मांगेगा, आपको खुद ही देना है उसको। थर्ड पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहूंगी, अगर आप अपने बेबी को नैपी या डाइपर जो भी लगाते हैं, अगर आप बेबी को नैपी लगा रहे हो, अगर वो एक पी कर लिया है उसने, एक पी में आपका नैपी पूरा गीला हो जाता है, बेबी का नैपी पूरा गीला हो जाता है, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने उस नैपी को रिमूव करना है, उस एरिया को बहुत अच्छे से क्लीन करना है, साफ करना है, फिर वापस नैपी दूसरे लगा देना है। अगर आप डाइपर यूज कर रहे हैं तो आपने हर 2 घंटे के अंदर डाइपर चेंज करना है। उसके लिए आपने कुछ नहीं करना, आपने डाइपर उतारा, आपने उस एरिया को कॉटन लेना है अपने एक, उसको पानी में थोड़ा डिप करना है। डिप करने के बाद आपने उस बेबी को, उस एरिया को क्लीन करना है। क्लीन करके आपने उसको ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आपने उसमें कोकोनट ऑयल लगाना है, या अगर आप डाइपर रश क्रीम यूज करते हो तो वो लगाना है। उसके बाद आपने उसको नैपी बना देना है, क्योंकि बेबीज की स्किन बहुत डेलिकेट होती है, इसलिए ज़्यादा टेक केयर की जरूरत होती है उनको। फोर्थ चीज मैं आपको ये बोलूंगी, जब आपका बेबी डिलीवर हो जाता है उसके बाद आप घर आ जाते हो, तो आपसे सब मिलने आते हैं। 45 डेज तक आपसे कोई ना कोई मिलने आता ही रहेगा। तो आपने सबसे पहली चीज ये करनी है, जो भी आपके घर में बड़े हैं उनको, वैसे उनको पता ही होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है इसके लिए। बड़े अगर आपसे कोई मिलने आ रहा है या आपके बेबी से कोई मिलने आ रहा है, आपने उसको तुरंत अपने घर, अपने कमरे में नहीं आने देना है। आप जो आपके हस्बैंड हैं, आप उनके से बोलिए कि उनको थोड़ी देर बाहर बिठा लिए, आप उनके अच्छे से हैंड वॉश कराइए। स्लीपर, आप एक स्लीपर अंदर के अलग रखिए, वो स्लीपर पहन के ही आपने जो भी बेबी से मिलने आता है वो स्लीपर पहन के ही आए, जिससे कि हमने देखा होगा बाहर हमारे जूते चप्पलों में बहुत सारे जम्स होते हैं, वो आपके रूम के अंदर आएंगे तो वो बेबी को थोड़ा सा नुकसान।